ये क्लास हमारी सोनेट ओड एलेजी एंड सटायर से रिलेटेड है जो कि यूनिट 8 फॉर्म्स ऑफ पोएट्री है एमपीटेट ग्रेड 1 इंग्लिश लिटरेचर मेंस एग्जाम में। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले हम सोनेट ओड एलेजी एंड सटायर के बारे में डिस्कस करेंगे, आफ्टर दैट इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इसी क्लास में हम डिस्कस करेंगे। हियर वी हैव यूनिट 8 फॉर्म्स ऑफ पोएट्री एंड सोनेट्स का सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सोनेट, सोनेट आप सभी जानते हो 14 लाइंस का एक पोयम होता है जिसमें एक पोयम में 14 लाइंस होती हैं जो कि आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा होता है। एंड द राइम स्कीम की बात करें तो ये डिफर करते हैं, सोनेट के ऊपर डिपेंड करता है कि सोनेट किस में लिखा गया है, क्या वो शेक्सपियरियन सोनेट है, पेट्रार्कन है, मेल्टोनिक सोनेट है, स्पेंसेरियन सोनेट है। तो इस पर आपका डिफर करेगा कि कौन से सोनेट के हिसाब से ही उसका राइम स्कीम होता है, बट वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई 14 लाइंस की पोयम होती है। ये एक जो बेसिक नेचर है सोनेट लिखने का वो है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो पेट्रार्कन सोनेट की बात करते हैं सबसे पहले, तो ये एंशियंट सोनेट है। सबसे पहले इसी फॉर्म में जो होती थी सोनेट्स लिखी जाती थी, क्योंकि देखिए जैसे हम बात कर रहे हैं कि शेक्सपियरियन सोनेट, तो शेक्सपियर ने उसको लिखा है। सोनेट लिखते हुए वो उन्होंने अपने सोनेट का यूज करा है, उसका एक अलग राइमिंग स्कीम होता है जिसमें लास्ट में दो कपलेट, एक कपलेट होता है। तो इसी तरीके से मिल्टन ने भी अब सोनेट्स लिखे हुए जो कि पेट्रार्कन बेस्ड सोनेट लिखा है उन्होंने। स्पेंसर ने अपने हिसाब से सोनेट लिखा है जिसके राइमिंग स्कीम कुछ अलग होती है। तो पेट्रार्कन सोनेट की अगर हम बात करते हैं तो ये जो 14 लाइंस की पोएम होती है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टू स्टैंजास में इनको डिवाइड कर लिया जाता है। सबसे पहला जो स्टैंजा होता है वो 8 लाइंस का स्टैंजा होता है, उसको हम ऑक्टेव बोलते हैं, फर्स्ट 8 लाइंस, जिसमें आर्गुमेंट और क्वेश्चन किया जाता है। एंड आफ्टर दैट एंसरिंग सेस्टेट, जो 6 लाइन लास्ट होती है, 14 लाइंस में 8 हम अगर ऑक्टेव कर देंगे तो लास्ट में उसके 6 लाइंस बचती हैं, तो 6 लाइंस को क्या बोला जाता है, सेस्टेट बोला जाता है। एंड राइम स्कीम ऑफ पेट्रार्कन सोनेट ABBA ABBA, ये होता है ऑक्टेव का। एंड सेस्टेट में क्या होता है, CDE CDE हो सकता है या CDC या DCD, ये राइम स्कीम हो सकता है। तो ऑक्टेव का राइम स्कीम ये रहा ABBA ABBA एंड CDE CDE, ये सेस्टेट का राइम स्कीम होता है। एंड इसके साथ ही साथ अगर इस सोनेट की बात करते हैं कि दिस सोनेट इज रिटन ऑन दिस पैटर्न, तो मिल्टन का सोनेट है व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट, ये है मिल्टोनिक सोनेट या पेट्रार्कन सोनेट के स्टाइल में ही मिल्टन ने लिखा हुआ है। और ये है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, सोनेट नंबर 19 ऑफ मिल्टन, पेट्रार्कन सोनेट का एक फाइन एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं शेक्सपियरियन सोनेट की, तो शेक्सपियरियन सोनेट यूजेस अ डिफरेंट राइम स्कीम जिसमें बात करते हैं ABAB CDE CDE EF EF GG, ठीक है। फर्स्ट लाइन जो होगी वो थर्ड लाइन से, सेकेंड लाइन फोर्थ लाइन से, ऐसे ही सेकेंड स्टैंजा में जो होगा, ये थ्री स्टैंजा फोर स्टैंजास में अगर डिवाइड हो, थ्री स्टैंजा एंड वन कपलेट में ये डिवाइड होता है जो शेक्सपियर का सोनेट होता है। एंड द फाइन होल कपलेट्स ग्रेट पावर इन हिज सोनेट फॉर्मिंग द कंक्लूजन एंड एट द लास्ट जो कपलेट होता है, दिस इज द दैट इज द कंक्लूजन ऑफ द पोयम इन शेक्सपियरियन सोनेट वी गेट। एंड सोनेट 30, माय मिस्ट्रेस आई आर नथिंग लाइक द सन आर द शेक्सपियरियन सोनेट। एंड इसके साथ ही साथ ट्रू लव है, दैट इज ऑल्सो अ शेक्सपियरियन सोनेट जो लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। अगर हम स्पेंसेरियन सोनेट की बात करते हैं तो स्पेंसेरियन सोनेट में जो राइम स्कीम आता है उसको मैं भी आप बता दे देती हूँ, ABAB BC BC, इसके साथ CD CD और EE, ये होता है राइम स्कीम किसका होता है, ये स्पेंसेरियन सोनेट का है। देखिए शेक्सपियरियन सोनेट का क्या था, ABAB CDCD था, क्योंकि देखिए फिर यहाँ पे लेकिन स्पेंसेरियन सोनेट में क्या है, ABAB है, पहला लाइन जो है वो तीसरे से और दूसरा चौथे से करेगा, लेकिन सेकंड स्टैंजा में भी जो होती है फोर्थ लाइन होती है वो फर्स्ट, और फर्स्ट जो होती है इसमें BC BC, फिर CD CD और लास्ट में कपलेट इसमें आता है। लेकिन शेक्सपियरियन सोनेट में क्या होता है, ABAB CDCD EF EF GG करके होता है। तो ये हमारा जो होता है, ये सोनेट सीक्वेंसेस हैं, जो स्पेंसेरियन का भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका शेक्सपियरियन सोनेट का है और उसके साथ ही साथ यहाँ पे आपका
पेट्रार्कन सोनेट है जो कि टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, ऑक्टेव एंड सिस्टेट में। तो आई होप कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको समझने में। और ये सभी कितने लिखे होते हैं, आयम्बिक पेंटामीटर फॉर्म में लिखे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव हियर ओड। ओड की अगर हम बात करते हैं तो ओड क्या है, व्हाट टाइप ऑफ पोएट्री इज दिस। ओड इज अ टाइप ऑफ लिरिक पोएट्री। ओड्स आर एलबोरेटरी स्ट्रक्चर्ड पोएम प्रीजिंग और ग्लोरीफाइंग एन इवेंट और इंडिविजुअल। ओड में क्या होता है, किसी इवेंट या इंडिविजुअल के बारे में बात होती है, उसकी प्रेज में सॉन्ग लिखा जाता है और वो इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल ऑन द सेम टाइम ये पोएम्स होती हैं, जिसको हम ओड पोएम बोले जाते हैं बोलते हैं। इसके साथ ही साथ अ क्लासिक ओड इज स्ट्रक्चर इन थ्री मेजर पार्ट्स। क्लासिक ओड की अगर हम बात करते हैं, स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी एंड इम्पोड, थ्री पार्ट्स में ये डिवाइड होता है। ओड्स वर फर्स्ट डेवलप बाय द पोएट्स राइटिंग एंशिएंट ग्रीक पिंडार एंड लैटिन में होरेस ने इसको डेवलप करा हुआ है। ग्रीक की बात करते हैं तो पिंडार ने इसको डेवलप करा है। इसके साथ ही साथ ओड के बारे में आगे अगर हम थोड़ा ज्यादा एलोबरेट करके इसको डीपली थोड़ा समझते हैं, दिस इज अ फॉर्मल पोएटिक डिक्शन। देखिए, एक फॉर्मल पोएम होती है ओड जो होती है, स्पेशली इट डील्स विद अ सीरियस सब्जेक्ट मैटर। जैसे जो भी स्टोरी या जो भी इवेंट इंडिविजुअल के बारे में किसी इवेंट को प्रेज करते हुए, उसको ग्लोरीफाई करते हुए जब ये पोएम लिखी जाती है तो एक सीरियस सब्जेक्ट पे होती है। एंड इसके साथ ही साथ ये क्या होता है, रिसाइटेड और संग बाय टू कोरसेस और इंडिविजुअल्स। तो लोग इसको गाते हैं, जो गाने के फॉर्म में होता है, सॉन्ग के फॉर्म में ओड होता है। फर्स्ट रिसाइटिंग द स्ट्रॉफी, पहला जो होता है वो क्या करता है, स्ट्रॉफी गाता है। सेकेंड क्या होता है, वो एंटी स्ट्रॉफी गाएगा। उसके बाद क्या होता है, दोनों मिलकर के इपोड को गाते हैं। ये स्पेसिफिक एक पैटर्न है इस पोयम को गाने का, जो भी पोयम ओड के फॉर्म में लिखी जाती हैं। स्पेशली हमने आपको क्या बताया, थ्री पार्ट्स में ओड्स जो होते हैं, क्लासिकल ओड्स होते हैं, वो डिवाइडेड होते हैं स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी एंड इपोड के फॉर्म में। एंड इट हैज अ सीरियस सब्जेक्ट, जो भी इंडिविजुअल या किसी इवेंट के बारे में बात होती है, दैट इज रिलेटेड टू serious subject matter, and it is recited or sung by two choruses या two individuals. First person जो होता है वो क्या recite करता है, that is strophe recite करता है, जो classical ode का strophe part होता है उसको recite करेगा। Second जो person होगा वो anti strophe को recite करेगा, and after that दोनों मिलकर के epode को recite करते हैं। इसके साथ ही साथ अगर फाइनल एग्जाम्पल की बात करते हैं, जो ओड लिखे गए हैं, कॉलरिज का है डिजेक्शन एंड ओड, जो कि ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस को करता है। इसके साथ ही साथ जॉन कीट्स की बात करते हैं, ओड ऑन अ ग्रेसियनर, ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू अटम। तो ये फाइन एग्जाम्पल्स वी हैव रिलेटेड टू इंग्लिश लिटरेचर, जो कि ओड फॉर्म में ये पोएट्रीज लिखी गई हैं, जिसमें हमने कॉलरिज के बारे में बात की एंड साथ ही साथ कीट्स की पोएम्स। कीट्स इज फेमस फॉर हिज ओड पोएट्री, ग्रीक रिलेटेड ओड पोएट्री के लिए फेमस है। तो आप उनकी पोएट्री को पढ़ोगे तो इनमें आपको ये सीरियसनेस सॉन्ग के वे में देखने को और समझने को पढ़ने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एलेजी, देखिए तीसरा जो फॉर्म ऑफ पोएट्री है दैट इज एलेजी, जो आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है। एलेजी आप सभी बहुत अच्छे से फेमस हो, ये फेमिलियर हो इससे, एंड ये फेमस पार्ट ऑफ पोएट्री है। एलिजी के बारे में अगर हम बात करते हैं, एंड एलिजी इज अ सीरियस पोएम दैट एक्सप्रेसेस द सॉरो टाइपिकली टू मॉर्न समवन हु हैड डाइड। किसी की लॉस पे लिखा गया, किसी को हम अपनी लाइफ में खो देते हैं और उसकी मेमोरी में जब हम पोएम लिखते हैं तो वो क्या होता है, मॉर्नफुल पोएम होती है। और बहुत ही हमारे जो इनर जो सॉरो होता है, जो डीप सॉरो होता है हमारे हार्ट का, उसको एक्सप्रेस करते हुए जो पोएम्स लिखी जाती हैं, दैट इज कॉल्ड एलेजी। बहुत नियर डियर वंस को खोने के बाद, लूज करने के बाद आप जो पोएम लिखते हो, दैट इज कॉल्ड एलेजी। और ट्रेडिशनल एलेजी की बात करते हैं, देयर आर थ्री स्टेजेस ऑफ लॉस रिप्रेजेंटेड इन द पोएम इंक्लूडिंग लैमेंट। तो फर्स्ट पार्ट क्या होता है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, जो थ्री पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट इज लैमेंट। पहले क्या है, आपको क्या करना है, आप उसमें जो खो चुका होता है उसको क्या करते हैं, उसके लिए रोते हैं। तो फर्स्ट पार्ट एलेजी लिखने का होता है, जो भी पोएट लिखा होता है एलेजी, किसी भी आप लीसीदास देखोगे, थारेसिस देखोगे, तो फर्स्ट पार्ट में आपको, या इन मेमोरियम आप देखोगे, तो इन सभी में फर्स्ट पार्ट में आपको पहले जो पोएट है वो विलाप कर रहा होता है, जो उसको अपना डीप सॉरो फील कर रहा होता है, अपने हार्ट के डीप इमोशंस को फील कर रहा होता है, उसको एक्सप्रेस करता है। आफ्टर दैट सेकेंड नंबर पे क्या होता है, प्रेज ऑफ द डिसीज्ड, जो नहीं है उसकी लाइफ में,
जो चीज वो खो चुका है उसके बारे में क्या करता है, उसको प्रेज करता है, उसके बारे में उसकी थोड़ी प्रशंसा करता है, थोड़ी उसकी बड़ाई करता है, थोड़ा उसको ये फील खुद से फील करता है और सामने वाले को भी, रीडर्स को भी फील कराता है कि जो पर्सन जिसको मैं खो चुका हूँ उसमें क्या क्या क्वालिटीज थी और वो कैसा इंसान था, मीन्स उसके बारे में थोड़ी सी अच्छी बातें वो करता है, प्रेज करता है। एंड आफ्टर दैट थर्ड क्या पार्ट है, सोलेस। अब क्या है, अब वो थोड़ा सा सांत्वना को मिलता है, सांत्वना। सोलेस मतलब यहाँ पे है कि अब वो थोड़ा सा जो लॉस उसका हो चुका है अब वो उस चीज को मान चुका है और अब उसमें ही वो है कि ये ही प्रकृति का नियम है और अपने आप को थोड़ी सी सांत्वना देता है, दैट इज कॉल्ड सोलेस। तो थ्री पार्ट्स में, स्टेजेस में क्लासिकल जो इलेजीज होती है दैट इज डिवाइडेड। इसके साथ ही साथ इसके फाइन एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे हमने बताया इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी ईट्स, ये डब्ल्यू एच ऑर्डिन का वर्क है। लिसीडास इज मिल्टन्स वर्क। इन मेमोरियम हमने बात करी, ये इन मेमोरियम ऑफ एज आर्थर हेनरी एलम के बारे में बात है जो कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन का वर्क है। इसी साथ ही साथ हम यहाँ पे इन मेमोरी ऑफ किड्स की, ये पोयम किसकी है, पीबी शेले की है, पीबी शेले ने लिखी है किड्स की डेथ पे। एडोनिस थायरिसिस है, मैथ्यू एर्नॉल्ड का वर्क है और किसकी डेथ पे लिखा है, आर्थर ह्यू क्लॉक, थायरिसिस बाय एर्नॉल्ड। तो ये कुछ एलेजी रिलेटेड पोएम्स हैं जो कि यहाँ पे लिखी गई हैं, इंग्लिश लिटरेचर में कंट्रीब्यूट किया है डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स ने। और इसके बाद साथ ही साथ एन एलिजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, दैट इज आल्सो पेस्टोरल एलिजी है वो, जो कि लिखा है कि थॉमस ग्रे ने लिखा हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है फॉर्म ऑफ पोएट्री दैट इज सटायर। सटायर के बारे में बात करते हैं। सटायर जो होता है किसी को उपहास करते हुए और उसमें एक तरीके का रिफॉर्म चाहते हुए, उसको तरीके का एक तरीके से रिडेवलप करते हुए जो चीजें लिखी जाती हैं कि उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट चाहता है पर्सन जो लिख रहा होता है सटायरिकल पोएट्री, तो उसको हम सटायर बोलते हैं। सटायर पोएट्री इज अ जॉनर ऑफ लिटरेचर दैट यूजेस विट, आयरनी, सरकैज्म एंड रिडिक्यूल टू क्रिटिसाइज और मॉक सोशल सोशल जो आपके फॉलीज होते हैं, वाइसेस होते हैं और शॉर्ट कमिंग्स, जो कमियां होती हैं सोसाइटी में या किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर एक ग्रुप में, उसके बारे में उसको मॉक मॉक करना, उसको एक तरीके से क्रिटिसाइज करना, उसमें सरकैज़म वे में उसको बोलना, आयरनी और विट के साथ में अपनी बातों को कहना, दैट इज कॉल्ड सटायरिकल पोएट्री। और स्पेसिफिकली क्या होता है, वो शॉर्ट कमिंग्स, कमी दिखाने के लिए होता है कि इस सोसाइटी में या इस ग्रुप में या इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या कमी है, इंस्टीट्यूशन में क्या कमी है, वो दिखाने के लिए जब राइटर अपने इन सब चीजों का यूज करता है, पोएटिक डिवाइसेस का यूज करता है, तो दैट इज कॉल्ड सटायरिकल पोएट्री। इट इज ऑफन इंटेंडेड टू ब्रिंग अबाउट इम्प्रूवमेंट, जैसा हमने बताया आपको कि स्पेसिफिक जो इसका पर्पज होता है दैट इज टू ब्रिंग सम काइंड्स ऑफ इम्प्रूवमेंट इन दैट इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी, और रिफॉर्म थ्रू दिस सच क्रिटिकल ह्यूमर, क्रिटिकल ह्यूमर के वे में उसको लिख करके और उसमें रिफॉर्म की जरूरत, सो दैट ये बहुत ज्यादा हार्श भी ना लगे और एक सुनने में समझने में भी सही लगे और लोग उससे इम्प्रूव भी कर सके। सटायरिकल पोएट्री हैज बीन अ पावरफुल टूल फॉर सोशल कॉमेंट्री थ्रू आउट हिस्ट्री, अलाउइंग पोएट्स टू एक्सप्रेस डिसेंट एंड प्रोवोक थॉट अबाउट प्रिवेलिंग नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस। एंड इम्पॉर्टेंट अगर वर्क्स की बात करते हैं जो लिखा गया है, रेप ऑफ द लॉक है, पोएट्री है अलेक्जेंडर पोप की है, जो कि एक अपर क्लास में जो कि एक शो ऑफ है, जो लग्जरी जी रहे होते हैं उसको किसी न किसी छोटी छोटी बात पे वहां पे किस तरीके से एक दूसरे में टेंशन होती है, जेलेसी होती है, फीलिंग होती है एक दूसरे के लिए, ये सब कुछ रेप ऑफ द लॉक में अलेक्जेंडर पोप ने दिखाया है अपनी एपिक पोएम में, मॉक एपिक पोएम जो है इनकी। इसके साथ ही साथ ड्राइडन की मैप लखनऊ एंड एब्सोलम एपिटोफिल आर द इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑन सटायर पोएट्री। नेक्स्ट वी हैव इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू फॉर्म्स ऑफ पोएट्री। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज एन ओड, ओड क्या है। एलेबरेट पोएम ग्लोरीफाइंग और प्रेजिंग एनिमल इन एन ऑब्जेक्ट या इमोशंस। ऑप्शन बी अ प्लेस ऑफ बर्थ, या है एलेबरेट पोएम ग्लोरीफाइंग प्रेज इवेंट इंडिविजुअल आइडिया इमोशनली और इंटेलेक्चुअली, या है द स्टेट स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ऑफ फॉर ओहियो। तो ऑप्शन यहाँ पे हम सी को करेक्ट करेंगे, ये सी हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन, क्योंकि क्या है कि किसी
इंटेलेक्चुअली और इमोशनली किसी आइडिया और इवेंट को प्रेज करना, ग्लोरीफाई करना, दैट इज द मीनिंग ऑफ ओड, दैट इज द ओड पोएट्री ऐसे लिखी जाती है. तो ऑप्शन ए नहीं होगा, एनिमल्स को नहीं किया जाता है, ये आपको सी को किया जाएगा. एंड हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ फीचर ऑफ सटायर इज स्ट्रॉन्ग सार्केज्म एंड पैरोडी, बर्लेस्क, एग्जैगरेशन, या है आपका ऑल ऑफ द एबव. तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द एबव. मतलब जो सटायर होता है उसके जो अलग अगर हम बात करते हैं तो वो इज अ स्ट्रॉन्ग सार्केज्म होता है, और वो पैरोडी भी होता है, बर्लेस्क भी होता है, और साथ ही साथ एग्जैगरेशन भी होता है. थोड़ा सा बढ़ाव चढ़ा के भी उसमें चीजें बातें की जाती हैं जब भी सटायर रिलेटेड पोएट्री या वर्क लिखा जाता है. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नंबर थ्री वी हैव द क्वेश्चन. ट्रेडिशनली विच पोएटिक फॉर्म्स कंटेन्स थीम्स ऑफ द मॉर्निंग लॉस एंड रिफ्लेक्शंस. तो यहाँ पे है कि किसी जो खोने पे जो एक किसी को खोने पे जो एक दुख होता है वो थीम है, किस टाइप ऑफ पोएट्री की है, रिफ्लेक्ट जो करती है, ओड, एलेजी, एपिक या लिरिक पोएट्री. तो दैट इज ऑप्शन बी इज द आंसर. एलेजी की बात कर रहे हैं हम, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा. नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन एंड आंसर करिए इसका. द पोएटिक फॉर्म विच कैन एक्सप्लोर थीम्स ऑफ रिडेम्पशन एंड कॉन्सोलेशन इज. रिडेम्पशन एंड कॉन्सोलेशन का जो थीम होता है पोएटिक फॉर्म में वो क्या है, सोनेट है, हाइकू, या है एलेजी या सोनेट. फिर से यहाँ पे मेंशन हो गया है, यहाँ पे हम सटायर कर देते हैं ऑप्शन डी को. तो ये क्या है, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा, दैट इज कॉल्ड एलेजी. एलेजी में क्या होता है, हम कॉन्सोलेशन, अपने आप को हम सांत्वना भी देते हैं. ये थीम होती है इस तरीके की पोएट्री को लिखने के, इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जहाँ पे आप रिडेम्पशन भी करते हो, पश्चाताप करते हो, और साथ ही साथ हम आप कॉन्सोलेशन भी करते हैं, मुक्ति की बात करते हैं यहाँ पे, और साथ ही साथ कॉन्सोलेशन की बात करते हैं. तो दैट इज एलेजी. नेक्स्ट नंबर है यहाँ पे क्वेश्चन. एलेजी अ पोयम दैट, यहाँ पे है ऑप्शन, अ पोयम दैट रिफ्लेक्ट्स अपॉन द डेथ और लॉस इज. तो ऑप्शन ए बी सी डी में से करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा. यहाँ पे एलेजी होता है यहाँ पे वो पोयम जो कि डेथ या लॉस पे लिखी गई होती है, वो रिफ्लेक्ट करती है उस थीम को, सब्जेक्ट मैटर को, तो वो हमारी एलेजी पोयम होती है. तो हम क्वेश्चन नंबर 5 को ऑप्शन सी करेक्ट होगा. 6 नंबर क्वेश्चन. जॉन मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस सोनेट फॉलोड द राइम स्कीम ऑफ. आपको बताना है जॉन मिल्टन ने जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस लिखी है, या व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट, ये जो सोनेट लिखा है वो किस राइम स्कीम को रिफ्लेक्ट करता है, शेक्सपियरियन सोनेट को या स्पेंसेरियन सोनेट की राइम स्कीम को या पेट्रार्कन या रेगुलर सोनेट को. तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, पेट्रार्कन सोनेट को ये रिफ्लेक्ट करता है जिसमें ऑक्टेव एंड सेस्टेट के फॉर्म में ये स्टैंजा फॉर्म्स लिखे जाते हैं. नेक्स्ट नंबर 7. एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड इज अ पोएटिक वर्क ऑफ विच पोएट. किस पोएट का यह पोएटिक वर्क है, एलेक्जेंडर पोप, थॉमस ग्रे, शेक्सपियर या मिल्टन. तो ऑप्शन यहाँ पे हम बी को करेक्ट करेंगे, थॉमस ग्रे इज द करेक्ट है. नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन. अ ट्रेडिशनल इटालियन और पेट्रार्कन सोनेट फॉलोज द राइम स्कीम विच इज. अ पेट्रार्कन सोनेट जो कि मिल्टन ने लिखा है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उसका राइम स्कीम आपको बताना है इसमें से. ए बी बी ए बी बी ए, सी डी सी या सी डी डी सी डी, या सी डी ई होता है, सी डी ई होता है, ऐसा दो तरीके का पैटर्न बन सकता है इसका. तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट होगा यहाँ पे. पेट्रार्कन सोनेट का जो राइम स्कीम होता है वो ऑप्शन ए है. देखिए और है, मतलब या तो इसकी जगह पे या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है. तो इसमें ये मत सोचिएगा कि अरे 14 लाइंस का ही होता है, यहाँ तो 14 के बाद में 18 लाइंस दी गई है, 20 लाइंस दी गई है. आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा. ये है कि ये तो आगे का आपका पार्ट रहेगा, ऑक्टेव का पार्ट होगा ये, और सिस्टेट में या तो ये हो सकता है या तो आपका ये हो सकता है. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन नंबर 9. एन एलेजी इन पोएटिक टर्म इज अ डैश सॉन्ग, फ्यूनरल सॉन्ग, या है लविंग सॉन्ग, नेचुरल, या आपका रोमांटिक सॉन्ग. तो ये क्या होता है, एलेजी क्या होती है, एक फ्यूनरल सॉन्ग होती है जो शोक गीत या किसी की मृत्यु पे जो गाई जाती है, गाया जाता है गाना, वो पोएटिक टर्म जो कहलाता है वो फ्यूनरल सॉन्ग कहलाता है, वो एलेजी का पोएटिक टर्म है. नेक्स्ट वी हैव द 10 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन. अ मेलंकोली पोएम व्हिच इज रिटन टू मॉर्न द डेथ ऑफ समवन हु इज पर्सन हार्ट इज. मतलब बहुत नियर डियर वन के लिए मेलंकोलिक पोएम जो लिखी जाती है उसके डेथ पे मॉर्न करने के लिए शोक गीत के वे में, तो वो कौन है, एलेजी पोएम है. बी ऑप्शन करेक्ट है इसका.
आगे तो क्वेश्चन को देखते हैं. द फर्स्ट एलेजी वर रिटन इन रोमन, ग्रीक, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज. तो ऑप्शन सी होगा, बोथ ए एंड बी, मतलब ग्रीक एंड रोमन में लिखी गई है. पेंडार एंड होरेस ने लिखी हुई है, जो डेवलप करा हुआ है एलेजी को. 12 नंबर क्वेश्चन है, हु इज क्रेडिटेड विद द इंट्रोड्यूसिंग द सोनेट फॉर्म इन टू इंग्लिश लिटरेचर. इन टू इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर में सोनेट फॉर्म को इंट्रोड्यूस करने का क्रेडिट किसे जाता है? थॉमस ग्रे, सर थॉमस वेट, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन. ऑप्शन बी इज दी आंसर. यहाँ पे बी आंसर होगा, सी नहीं होगा. सर थॉमस वेट को जाता है, जिन्होंने टोटल मिसलिनी लिखा है. सोनेट्स का ये सॉन्ग्स का फॉर्म है आपका, इसमें कलेक्शन है. टोटल मिसलिनी सोनेट सर थॉमस वेट का वर्क है ये, आपको यहाँ पे ऑप्शन बी को करेक्ट करेंगे. नंबर 13, अ सोनेट इज अ लाइन पोयम. तो ऑब्वियसली वी हैव द आंसर, इट इज अ 14 लाइन पोयम. ओके, विच पोएटिक फॉर्म कंटेन्स इंटरनल राइम विद इन दियर 14 लाइन्स. इंटरनल लाइन्स विद इन 14 लाइन्स के अंदर कौन सा पोएटिक फॉर्म है जो ऐसा राइम स्कीम, इंटरनल राइम स्कीम वो है, वो कंटेन करता है? ओड, एलेजी, सोनेट या नन ऑफ दीज. 14 लाइन्स की बात हो रही है तो ऑब्वियसली ऑप्शन सी को हम करेक्ट करेंगे. 15 है, whose sonnets were translated in the 16th century by Sir Thomas Waite. Petrarchan, Shakespearean, Spencer या none of these. तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा. Petrarchan सोनेट को सर थॉमस वेट ने 16th सेंचुरी में, मतलब आपका ये है कि एलिजाबेथन एरा में इसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में. इसीलिए क्रेडिट जाता है कि सोनेट को इंट्रोड्यूस करने का जो क्रेडिट है वो सर थॉमस वेट को जाता है. 16 वी हैव द इंग्लिश और शेक्सपियरियन सोनेट फॉलोज द राइम स्कीम विच इज ए बी बी ए, ए बी बी ए, सी डी ई, सी डी ई, ए बी बी ए, सी डी, सी डी ई एफ ई जी जी, या है बोथ ए एंड बी नन ऑफ दीज. तो यहाँ पे हम करेक्ट करेंगे ऑप्शन बी को, ए बी सी डी सी डी ई एफ ई एफ जी जी. लास्ट में दो कपलेट होता है. ये शेक्सपियरियन सोनेट या इंग्लिश सोनेट का राइम स्कीम है. इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर बिल्कुल भूलना नहीं है. देखिए, पेट्रार्कन, शेक्सपियरियन और स्पेंसर सोनेट में आपको ये कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि सब में ए बी करके है. तो उसके लिए थोड़ा सा आपको समझना होगा. सेस्टेट में आप डिवाइड करोगे, ऑक्टेव में डिवाइड करोगे तो पेट्रार्कन हो जाएगा. लास्ट में तो कपलेट में डिवाइड करोगे तो आपका शेक्सपियरियन हो जाएगा. उसके साथ ही साथ स्पेंसेरियन में भी यही आपका पैटर्न चलता है. लेकिन उसमें क्या होता है, ए बी और वो फर्स्ट जो सेकेंड लाइन होती है, फोर्थ, वो उसके नेक्स्ट स्टेंजा के फर्स्ट लाइन से कनेक्ट करती है. तो इस तरीके का राइम पैटर्न होता है उसका. 17, फ्रॉम विच ए सोनेट बिगैन टू पॉपुलर. किस एज से सोनेट का जो पॉपुलर हुआ है वो किस एज से हुआ है? तो वो क्या हुआ है आपका, ऑप्शन सी, रेनेशा एज से हुआ है. 18 क्वेश्चन, अ पोएटिक फॉर्म विच इज ट्रिब्यूट टू इट्स सब्जेक्ट, ऑल्दो सब्जेक्ट नीड नॉट टू बी डेड और इवन सेंटिएंट इज. ओड, एलेजी, सोनेट या है आपका नन ऑफ दीज. तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा. जो सब्जेक्ट को ट्रिब्यूट होता है, ग्लोरीफाई करते हुए किसी सब्जेक्ट या किसी इंडिविजुअल, किसी इवेंट ग्लोरीफाई करते हुए पोयम लिखी जाती है, तो वो क्या होता है. और ये जरूरी नहीं है कि उसकी डेथ ही हो गई हो या वो अवेलेबल ना हो. तो ये पोएम्स जो होती हैं वो हमारी ओड पोएम्स होती हैं. विलियम शेक्सपियर, टाइम एंड लव फॉलोज द राइम स्कीम. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. शेक्सपियरियन सोनेट और इंग्लिश सोनेट का राइम स्कीम फॉलो करती है वही ए बी सी डी सी डी ई एफ ई एफ जी जी का पैटर्न होता है. ओड इज मच लाइक एन एपिक, एलेजी, सोनेट या सटायर. दैट इज एलेजी. यहाँ पे जो होती है वो मच लाइक एलेजी पोएम्स होती हैं. ओड पोएम्स जो होती हैं सीरियस होती है, थोड़ी सब्जेक्ट मैटर इसका सीरियस होता है. 21 वी हैव, विच पोएटिक फॉर्म कम्स फ्रॉम ग्रीक एडेन मीनिंग टू सिंग और चैंट, बिलोंग्स टू द लॉन्ग वेरी ट्रेडिशनल और रिपिक पोएट्री. तो वो कौन सा होता है, वो हमारा ऑप्शन सी ओड होता है. ओड पोएम्स होती हैं जो सिंग और चैंट की जाती हैं, उनको गाया जाता है. 22 पोयम, ग्रीक ओड इज आफ्टर ग्रीक लेटर रिजर्व्ड बाय विच पोएट टू कन्वे दियर स्ट्रॉन्गेस्ट सेंटिमेंट. रोमांटिक पोएट्स, मेटाफिजिकल, कैवेलियर या आपका है लेक पोएट्स. तो ये आपका है ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो आपका होता है रोमांटिक पोएट्स के थ्रू इसको आगे स्ट्रॉन्गेस्ट सेंटिमेंट्स के साथ में कन्वे किया गया है. ग्रीक ओड जो है वो ग्रीक के बिहाफ पे होता है, बट रोमांटिक एज में जॉन कीट्स ने इसको किस तरीके से एक स्ट्रॉन्गेस्ट वे में कन्वे किया है अपनी राइटिंग्स के थ्रू रीडर्स के सामने. अगला है 23, ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड इज पोएटिक वर्क ऑफ विच पोएट. ऑब्वियसली ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ का ये वर्क है ओड.
ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी. अगला है ओड ऑन ग्रेशियन एंड इज रिटन बाय रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स ने इसको लिखा है, तो ऑप्शन बी को हम करेक्ट करेंगे. 25 भी है विच लिटरेरी फॉर्म इज फर्स्ट डेवलप्ड बाय पोएट्स राइटिंग इन एंशिएंट ग्रीक. तो कौन सा डेवलप फॉर्म है पोएट्री का, लिटरेरी फॉर्म है जो कि डेवलप हुआ है एंशिएंट ग्रीक पोएट्स के थ्रू, ओड सोनेट बैलेड या एलेजी. तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा क्योंकि ओड ने पोएम्स जो है वो डेवलप हुई है ग्रीक एंड लैटिन पिंडर एंड होरेश के थ्रू. 25, 6 we have astrophe, antistrophe, ode are the three parts of which poetic form. So obviously we have that is ode. Option C है, ये एक classical ode form होता है जिसमें ये three parts होते हैं. 27, which of the following is not one of the essential element of satire? इन चारों options में से essential element of satire नहीं है. Making fun of an idea, person or institution, use of irony, making a broader point about society, culture, politics, etc. या आपका है all the above are essential elements of satire. तो ये सभी हमारा जो होगा नहीं है. Use of irony, irony का use करना यहाँ पे I think आपका चारों सही होगा क्योंकि irony के way में भी उसका correct करते हैं, तो option D correct होगा. Making fun of idea, person, institution, use of irony का use करा जाता है. Making broader point अबाउट सोसाइटी कल्चर एंड पॉलिटिक्स पे बात होती है, और ये ऑप्शन डी को हम करेक्ट करेंगे. 27 का डी करेक्ट होगा. 28 का व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन इम्पर्सनेशन एंड सटायर. इम्पर्सनेशन इज अ सिनोनिम ऑफ सटायर या इम्पर्सनेशन इज अ अपोजिट ऑफ सटायर. सटायर इज अ टूल ऑफ इम्पर्सनेशन या है इम्पर्सनेशन इज अ टूल ऑफ सटायर. तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इम्पर्सनेशन इज अ टूल ऑफ satire. 29 we have parody is like satire but it does not use irony, it does not use impersonation ya hai, it doesn't make a broader social or cultural point ya it can be used in formal essays. The option D hoga, it can be used in formal essays jo parody hoti hai. 30 we have which is not a type of satire, Horatian, Juvenalian ya hai calm ya maybe Menippean. तो ऑप्शन सी होगा, काम इज नॉट अ काइंड ऑफ इज नॉट अ टाइप ऑफ सटायर. बाकी तीनों है वो टाइप ऑफ सटायर है, होरेशियन, जुविनेलियन एंड मेनिपियन. 31 वी है मैट फ्लेकोन इज पर्सनल सटायर, इट इज डेडिकेटेड अगेंस्ट अ फेलो पोएट ऑफ हिज टाइम. मैट फ्लेकोन जो है ड्राइडन का वर्क है, तो किस फेलो पोएट को ये अगेंस्ट ये डेडिकेट किया गया है, तो वो है ऑप्शन हम बी को करेक्ट करेंगे, थॉमस चैडवेल, ऑप्शन बी. नेक्स्ट वी हैव 32, सटायर इज यूजुअली मीन टू बी ह्यूमरस, इट्स ग्रेटर पर्पस इज ऑफेंस. सोशल वाइसेस या गवर्नमेंट वाइसेस, नेचर ऑफ थिंग्स या सोशल क्रिटिसिज्म. ऑप्शन डी है, इट्स मेन ऑफन ग्रेटर पर्पस इज ऑफन रिलेटेड टू सोशल क्रिटिसिज्म. 33 वी हैव विच कैन बी जनरलाइज्ड एज अ फॉर्मल एड्रेस ऑफ एन इवेंट, पर्सन और थिंग नॉट प्रेजेंट. सोनेट, एलेजी, ओड या सटायर है, तो ऑप्शन यहाँ पे है दैट इज ऑप्शन सी होगा. ओड होता है एक फॉर्मल एड्रेस होता है किसी इवेंट और पर्सन को जो कि प्रेजेंट नहीं है, उसके बारे में जब बात होती है पोएम लिखी जाती है तो वो ओड पोएम्स होती हैं. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे आज की क्लास में, हमने डिस्कस करा. प्लीज स्टे कनेक्टेड विद इंग्लिश जोन फॉर मोर videos related to English literature. Thank you everyone for watching this.